नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने ब्रिटेन सचार नेटवर्क बन वेब के 36 सैटेलाइट शनिवार रविवार की देर रात 12:07 लॉन्च कर दिए। ये सभी सैटेलाइट सबसे भारी रॉकेट GSLV-MK3 के जरिए लॉन्च किए गए। इस शो अर्थ ऑर्बिट में सफलता से स्थापित कर दिया गया है। इसरो ने इसकी पुष्टि की है। ये सैटेलाइट ब्रिटेन के सचार नेटवर्क वन वेब के हैं। यह ISRO का पूरी तरह कॉमर्शियल मिशन है। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से की गई। ISRO की कॉमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए वन वेब के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। यह जानकारी NSIL के चेयरमैन और MD राधाकृष्ण डी ने दी है। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से की गई। GSLV-MK3 रॉकेट की लंबाई 43.5 मीटर है। 5796 किलो के भारी पेलोड ले जाने वाला यह पहला भारतीय रॉकेट बन गया है। यह 8000 किलो के सैटेलाइट्स का भार उठा सकता है। ISRO ने कहा कि NSIL के लिए LVM-3 M2 पहला कॉमर्शियल मिशन है। ब्रिटेन के सचार नेटवर्क वन वेब का लक्ष्य कुल 648 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने का है। इनमें से 36 को ISRO ने भेजा है। वन वेब की बात करें तो ये ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन में है। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा होती है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी के चारों ओर 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। इस ऑर्बिट में किसी ऑब्जेक्ट की गति 27000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यही वजह है कि लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट तेजी से मूव करता है और इसे टारगेट करना आसान नहीं होता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।